परम पूजनीय जी सद्गुरुदेव जी की कृपा है कि हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। मैंने आपका ध्येय बता दिया। निखिल चेतना केंद्र की स्थापना मैंने केवल इसलिए की थी कि साधकों को छोटे छोटे घरों में साधनाएं नहीं संपन्न कर सकते, घर में अपनी अपनी चिंताएं हैं, पत्नी है, बच्चे हैं और ये सारी चीज़ें हैं, वो नहीं कर सकते। एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां वो रात दिन कभी भी साधना, किसी प्रकार की साधना भी कर सके, उसको कोई रोक टोक ना हो। इसलिए मैंने इस निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की। निखिल चेतना केंद्र स्थापना का उद्देश्य मेरा केवल यही था कि एक साधना स्थली हो। आज हम चाहते, आज मैं जो इस 24 साल से कर रहा हूँ साधना करने के लिए, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, किसी ने निंदा की, किसी ने कहा। अब कल के भी अवतारा साधना के बारे में जिनको मेरे ऊपर कोई ईर्ष्या है, द्वेष है, वो लोग कहेंगे ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता है क्या, ऐसा भी लोग कहेंगे। मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं। मैंने सारी निंदाएं देखी है, सारे प्रशंसाएं देखी है, स्तुति देखी है, निंदा देखी है, मैं उसके साथ कोई चिंता नहीं करता। मैं केवल चिंतित हूँ तो केवल ये कि मेरे गुरु जी के साधनाओं को या मेरे गुरु जी पर कोई उंगली उठा के ना बताए कि ये साधनाएं नहीं होती। मैं कहता हूँ ये साधनाएं होती ही है और ये साधनाएं कर सकते हैं, ये मेरा उद्देश्य है। मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता, लोग अपने अपने काम में कुछ भी कर लें, लेकिन आपसे कहता हूँ आप अगर निष्ठावान हो, गुरु जी के प्रति समर्पित हो और गुरु जी को गुरु जी जैसा कहे वैसा करना चाहते हो, तो आप निश्चित रूप से एक धड़ल्ले से, एक छोटी सी परीक्षा जैसा गुरु जी ने मुझे पहली बार ली थी, मैंने इससे पहले भी बहुत बार बोला था। गुरु जी ने एक बार कहा था, जोशी तुझे एक साधना करनी है। मैंने कहा ठीक है गुरु जी की मेरी पहली साधना देख ली थी कि वो बहुत साधक है, अच्छा कर सकता है, और गुरु जी को साधकों के लिए बहुत प्रेम था जो साधना करते हैं। मुझे अच्छी तरह विश्वास है कि गुरु जी साधकों का बहुत प्रेम करते थे। और मैं जैसा ही दिल्ली गया, गुरु जी ने कहा तुझे एक साधना करनी है। बोले करूँगा जरूर गुरु जी, एक शर्त है। बोले तेरे पास, क्योंकि गुरु जी ने श्रीशैलम के जंगलों में साधना और संजीवनी बुटी को भी ढूंढा था, उनकी पुस्तक में लिखा है, आप अगर पढ़े हैं तो कभी गुप्त की अलौकिक सिद्धियाँ गुरु जी का पुस्तक पढ़ा है तो उसमें हैं। तो गुरु जी ने कहा कि तुझे श्रीशैलम जंगल में फलाना जाकर साधना करनी है। मैंने पहले कहा ठीक है गुरु जी, उसमें क्या है, जाता हूँ, नज़दीक तो है, हमारे पास 250 किलोमीटर है, मैं जाके करता हूँ। बोले एक शर्त है बेटा। क्या? तेरे हैदराबाद से श्रीशैलम जाने के लिए कितना पैसा लगता है बस से? मैं कहता हूँ उस समय 12 या 12.5 रुपये कुछ था, मैं आपको बात कर रहा हूँ 91 की बात कर रहा हूँ, 12.5 रुपये कुछ ऐसा ही था। तो गुरु जी 12.5 रहते हैं, तो मेरी शर्त है तू केवल तेरे जेब में 15 रुपये रखेगा, 12.5 रुपये टिकट के खर्चे हुए और बाद में बचे 2 रुपये या 2.5 रुपये वो तेरे जेब में रहेंगे, और उस जेब में रहे से 2 रुपये को भी मैं साधना जब पूर्ण होगी वहां के भगवान के पास डाल के आना है। मैं फिर रिटर्न कैसे आऊँ ये पूछने से धैर्य नहीं हुआ, लेकिन गुरु जी जब कहा है तो 15 रुपये लिया। और यहाँ आने के बाद पत्नी को बोला गुरु जी ने ऐसी कही है साधना और ऐसी साधना को जाना है। मैं साधना को गया। वहाँ आप शिशर में जाओ तो पालतारा पंचतारा बोल के एक है वहाँ, जहाँ शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी और उसके नीचे कृष्णा नदी बहती है। गुरु जी ने कहा था कि उसके नीचे मैं वहाँ गया और गुरु जी ने जहाँ बताया, क्योंकि गुरु जी को चप्पा चप्पा मालूम है भारत का साधना क्षेत्र का, तो उन्होंने जहाँ कहा था मैं वहाँ साधना करने के लिए बैठा। एक बड़ा बहुत बड़ा वृक्ष था उसके नीचे, और गुरु जी ने कहा कि तेरे अतराफ रम भी अग्नि बीज अक्षर से तेरे अतराफ पानी डालना है और एक रेखा खींच लेनी है और तुझे वहीं बैठना है, 3 दिन वहाँ से नहीं उठना है, 3 दिन मलमूत्र विसर्जन नहीं, खाना पीना नहीं, और विशेष मंत्र गुरु जी ने बता दिया था। मैं मंत्र के लिए बैठ गया, सोचने लगा, पहला दिन तो ऐसा वैसा हवा वगैरह आई, छोटे छोटे कभी लगता था कोई रेंग रहा है तो सांप आ रहा है क्या कुछ, लेकिन दूसरे दिन ये हुआ कि 12-1 बजे वहाँ शेर बहुत बनते, शेर की आवाज़ आई। मैं बोला गए काम से, आज तो खत्म है, अपना लास्ट रील हो गया, गुरु जी की शायद यही इच्छा है तो अपन तो चले गए। मैं देखा बहुत देर तक शेर वीर कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाज़ें आती रही। तीसरे दिन देखा, अब बोला आज का 3रा दिन कंप्लीट हो गया तो पहले भागेंगे यहाँ से, गुरु जी ने 3 दिन कहा है, मंत्र जब पूरा हुआ। 3रे दिन जैसा ही साधना को बैठा, मैं देखता हूँ कि मेरे सामने से शेर पानी पीने को जा रहा है। अब मेरे को लगा कि अब गया काम से, ये अगर पानी पीने से पहले मेरे को खाएगा बाद में पानी पीलेगा, इस डर से मैं बहुत, यानी मुझे बहुत डर लग रहा था, एक तरफ गुरु मंत्र चल रहा था, एक तरफ जो गुरु जी ने दिया वहाँ मंत्र चल रहा था। फिर मैं वहाँ से, 3रा दिन हुआ, एक साधु ने दर्शन दिया
और साधु ऐ बात की बात है, साधु ने अपनी झोली से कुछ एक जड़ी बूटी निकाली अपने हाथ में रखी और उससे आश्रम को मुझे, क्योंकि मैं चलने 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, चलना तो दूर की बात, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, ऊपर जाके जाना पड़ता है और वहाँ से फिर वहाँ देना, अब वहाँ से परेशानी शुरू हो गई कि 2.5 रुपया जेब में, वो भी भगवान के पास डालना है, खाऊं क्या जाऊं क्या, हैदराबाद कैसा हो, क्या होना, कैसे होना चाहिए। वहां से जैसा ही वो निकला तो साधु महाराज ने कहा कि तुम्हें वहां तक पहुंचा देता हूं, बस स्टैंड तक पहुंचा दिए और वो भी चले गए, चले जाने के लिए निकले। अब मैं बोला यार कैसा करना, रात में वहां पहले बहुत अच्छी फैसिलिटी है, पहले नहीं था, केवल पुराने पत्थरों के खंभे रहते थे जहां भिखारी लोग सो जाते थे, ऐसा था। मुझे रात हो गई, रात में बस नहीं रहती क्योंकि जंगल से बस आने नहीं देता, मैं रात में वहां सो गया। तो एक परीक्षा के मूड में मैंने ऐसा ही गुरु से कहा, गुरु जी साधना तो संपन्न हुई, यहां तक तो पहुंचा, पैसे जेब में नहीं है, भूख तो जोर की लगी हुई है। तो माँ भ्रमरांबिका, तुझे अन्नपूर्णा कहते हैं, तेरे दरबार में कोई आया वो भूखा नहीं सोता, और आज मैं मेरे परमपूज्य सद्गुरुदेव स्वामी कृष्ण का शिष्य, आज मैं यहाँ भूखा सो रहा हूँ, आप तुझे देखना है माँ, अगर मैंने साधना सच्ची की है, मैंने ये सब कुछ किया है तो तेरी कृपा हो गई तो अच्छा है, नहीं तो नहीं, मैं सो गया। कम से कम 12 से 12:30 बज रहे थे, मेरे को नींद के ग्लानी के कारण नींद ऐसी आ गई थी कि मैं एकदम एक ग्लानी में था। तो एक बूढ़ी औरत लकड़ी खटखट करते हुए आई और कहा मेरे को मारा, ऐसा मार के कहा क्या है यहाँ सोरा, ये मेरी जगह है उठ। अरे मैं डर गया, मैं पहले ही सो गया, वो आके यहाँ से उठ जा, ये मेरी जगह है उठ जा बोली। अरे बोली बूढ़ी माँ तुम बूढ़ी है तुम सो जाओ, मैं यहाँ कम से कम बैठ तो सकता हूँ, बैठना बैठना कुछ नहीं है, तू यहाँ से उठ पहले बोली। तो मैं उठ के खड़ा हुआ, बेकार के आदमी कुछ काम के नहीं है, गुरु के भक्त कहते हैं और आके सोते नहीं उठते नहीं, बोली एक बार एक ही बात छूट के बोले, कोई तो पहुंची हुआ तो इसको कैसा पता चला कि मैं गुरु का भक्त हूँ। उसने कहा रोती सूरत बैठ जा बोले। मैं बोला रोती सूरत नहीं भाई, मैं खाना नहीं खाया इसलिए परेशान था, आज तो मेरी गालियां देते जा रही एक के बाद एक। बोले कुछ काम नहीं, काम का नहीं ना धाम का, बैठ गया बैठ बोली। अब वो जितने ऑर्डर से कैसा बैठ रहे, मैं बैठ गया, चल हाथ निकाल ये देख पानी ग्लास ला के पानी रखी। हमारे पास ये आंध्र तेलंगाना में पुलिहोरा बनाते हैं, उस रात में 12:30 उन्होंने पत्तल में गरम गरम पुलिहोरा में दे के खा, ये खा पानी पी। खाना खाने के लिए पुलिहोरा दी, पानी पिया और बोले जरा जाके हाथ धो ले। मैं बोला अब हाथ दी है तो हाथ धोने के लिए चले गया, हाथ धोया, पीछे पलट के देखता हूँ तो कोई नहीं है, बहुत देर तक ढूंढता रहा। मैं तुम्हें ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, धैर्य करके एक बार जंगल में जाकर साधना करके देखो, गुरु जी तुम्हारे पीछे खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे में वो धैर्य नहीं है, तुम जाने से पहले 17 बार सोचते हो कि मेरा क्या होगा। जब तक ये सोच छोड़ेंगे नहीं तब तक कुछ साधना में सिद्धि मिलेगी नहीं, आपको पहले ये करना है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप में ये ताकत हो, ये शक्ति हो कि मैं जाकर साधना कर सकता हूं। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, फिर मैं आपको बता देता हूं कि जैसा ही मैं सुबह हुई खाया तो बहुत शक्ति आ गई, सुबह आया बस में आए, अब बस में चढ़ू तो कैसा कोई पहचान तो वाले आदमी निकलेगा ऐसा मैं देख रहा था। उतने में जो साधु मुझे छोड़ के गया था वो आया और उसने कहा कि क्या महाराज क्या ढूंढ रहे हो। मैं बोला हैदराबाद जाना है यार, एक भी पैसा नहीं है, गुरुजी ने तो भगवान के पास पैसे डालने के लिए कहा था। बोले क्या चिंता करते हो, योग्य गुरु के शिष्य हो, इतने डरपोक हो, आ इधर आओ बोला। मैं बोला अरे कहाँ हूँ, मैं समझा इन पैसे देता जाने के लिए अपन जाएंगे, चलो बस चढ़ो बोला। अरे पैसे नहीं यार बस चढ़ो, बोलते पैसे नहीं है, आपको कह रहा हूँ बस चढ़ो आप। मैं बस चढ़ गया, चलो सीट पर बैठ जाओ, बैठ गया। 5 मिनट में मैंने डर लग रहा बस हैदराबाद जाऊँ, इन चढ़ो बैठो बस वाला उतार देगा, कहीं बीच में उतार दिया तो परेशानी हो जाएगी, ये तो बस में चढ़ के बैठा। थोड़ी देर बैठा, उतने में वही साधु आया और एक दंपति कोई अच्छे घराने के दंपति थे, उनको देखा, ओए मास्टर, उन्होंने बोला क्या साधु महाराज बोलिए, ये मेरा आदमी मेरा सहयोगी है, इसका हैदराबाद तक का टिकट निकाल देना, बीच में खाना वगैरह खाए तो कुछ खिला देना, मैं बोल रहा हूँ कर देना, टिकट निकालो पहले। और उस साधु ने ऐसी आज्ञा दी, उसने मेरा हैदराबाद का टिकट निकाला, मैं हैदराबाद आ गया और झट के साथ मैं उसी दिन जोधपुर चला गया, दिल्ली चला गया और गुरुजी के चरणों में पढ़कर के ना। गुरुजी ने पूछा जोशी कैसी रही साधना, मैं क्या बोलता गुरुजी, आप सब कुछ जानते हैं जो कुछ हुआ, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ साधना में धैर्य रखो। साधना करने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों को मैं अगर 100 माला बोला, गुरुजी 50 माला हो गए चलेगा ना, कल करते हैं,
अरे तो दस माला हुए गुरुजी, और दस माला दस दिन करे तो चलता ना, यह यहाँ से पूछना शुरू कर देते हैं। मैं जंगल में जाने की बात तो दूर, घर में बैठ के सौ माला पूर्ण करने के लिए इनकी ये सब कहानियाँ होती है। गुरुजी साधना कर रहा था, बहुत सर दर्द दे रहा था, गुरुजी थोड़ा सो के मैं कर सकता हूँ क्या? बाद में आता गुरुजी रात भर सो ही गया, सुबह दूसरे दिन साधना ही नहीं हुई। ऐसे लोगों को मैं जंगल में जाके साधना करने के लिए क्या कहूँ? जो फैन के नीचे बैठ के साधना पूर्ण नहीं कर सकते, वो लोग जंगल में जाके क्या साधना करेंगे? मैं तुम्हें कहता हूँ, आज भी जितने भी आपने ऋषियों को देखा है, जिन्होंने भगवानों को जन्म दिया है, ऐसे सारे ऋषि जंगल में ही रहा करते थे, क्योंकि वहाँ का वातावरण उतना शुद्ध और उतना अच्छा होता है, इसलिए वो लोग वहाँ रहा करते थे। जंगल में ही ऋषियों ने रहा, उनकी ऋषि पत्नियों को देवताओं ने उनके साथ देवताओं ने जन्म लिया, और अप्सराएं हो वो उनके घर में काम करती थी, कामधेनु जिसके पास थी, सारे लोग जंगल में ही थे। हमारे जंगल उतने पवित्र थे, साधना में उतनी श्रेष्ठता थी। आपको योग्य गुरु है, मार्गदर्शन करने वाला है, तो आप अपने आप को धैर्यवान समझते हैं तो कभी साधना करके देखो, मार्गदर्शन के लिए मेरे पास आओ, जरूर मार्गदर्शन दूंगा। मैं साधना पर तपस्या पर बल देता हूं, आज बार बार कह रहा हूं, शक्तिपात पर बल नहीं देता। जो साधना और तपस्या करता है उसके जीवन में सफलता उसके पीछे पड़े रहेगी, उसकी सफलता पीछे आएगी। देवताओं को यक्ष अप्सराओं को आना ही होगा जो साधना सच्चे दिल से करता है। मैं आपको पुनः आशीर्वाद देता हूं, और इस बार सारे एक एक करके आयोजक आ जाओ, बापदेव बाला साहेब सब लोग पुरुष आ जाओ, एक बार फिर एक बार आरती करके यहाँ समापन करेंगे। कल सुबह मैं 6 बजे यहाँ आता हूँ, अगर वर्षा नहीं हुई तो हवन करवाऊंगा, नहीं तो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम कल गुरु की साधना से आरंभ होगा। केवल हर पालकी यात्रा के एक एक आदमी आ जाओ जो आयोजक के रूप में है, हर पालकी की यात्रा से जितने भी लोग आए हैं सब लोग खेजे गुरु जी, बड़ा भाऊ उड़ीसा से आए वाले जगत, और ये कौन कौन आए हैं, सब लोग एक एक करके यहाँ जाओ, उनके हाथ से गुरुजी की आरती करवाऊंगा। जो वरंगल से आए हैं वो लोग भी एक एक करके यहाँ आ जाओ, जिन्होंने पालकी लाई है वो लोग एक एक करके यहाँ आ जाओ, आरती संपन्न करनी है। एक